या इलाही बख्श दे सैयद को रोजे हश्र तो फैल अंसारी हैं। इनका सवाल ये है कि निकाह के वक्त कोई जेवर वगैरह होना यानी नाक में नतका होना जैसा कि मशहूर है क्या ज़रूरी है, उसके बगैर निकाह होगा या नहीं, और क्या मेकअप में निकाह हो जाएगा। अभी एक सवाल आया था कि मुंबई में एक निकाह के दौरान में काजी साहब ने दुल्हन से मेकअप हटवाया कि निकाह मेकअप में नहीं होता लिहाजा मुंह को धोया जाए, फिर दुल्हन ने मेकअप धोने के बाद तब उन्होंने निकाह पढ़वाया, तो क्या बग़ैर मेकअप के ही निकाह होगा, निकाह मेकअप के साथ नहीं हो सकता। सबसे पहले तो जेवर की बात है, तो ये जेवर का मसला वही है जो मशहूर ये है कि लोग जेवर के बग़ैर औरत के पानी को हराम समझते हैं, क्योंकि शरीयत ने जेवर का पहनना औरत पे ज़रूरी करा है और बग़ैर जेवर औरत को रहना ये मकरूह है, नापसंदीदा है, क्योंकि जेवर ख़ास औरत के लिए है और मर्द के लिए जेवर नहीं है। तो अगर औरत बग़ैर जेवर रहेगी तो वो मर्द से कहीं ना कहीं मुशाबहत रखेगी, इसी एतबार से औरत जेवर पहने ताकि वो मर्द से डिफरेंट या मुख्तलिफ हो सके। तो इस एतबार से ही वही हुक्म है कि औरत का निकाह हो या आम जिंदगी हो फिर भी उसको हमेशा कुछ ना कुछ जेवर में होना चाहिए। तो इसीलिए और कम से कम में ये कि चाहे नाक में एक नत हो या कान में बुंदे कुछ भी हो, तो अगर जेवर कुछ भी औरत ने पहने हुए हैं या नहीं पहने हुए निकाह पे उससे फ़र्क नहीं आएगा। हालांकि औरत को जेवर होने चाहिए, बस लोगों ने इसको ज़रूरी तसव्वुर कर लिया कि जेवर होने चाहिए से मुराद ये है कि नेसेसरी होने चाहिए, हालांकि बग़ैर जेवर भी निकाह हो जाएगा, कोई निकाह पे कराहत नहीं आएगी। अब ये कि नाक के अंदर नतका होना ज़रूरी है, तो ये वही है कि जेवर ना हो तो कम से कम नाक में कुछ हो, तो लोगों ने इसको भी नेसेसरी समझ लिया कि नाक में होना ज़रूरी ही है। तो अगर कुछ भी जेवर औरत ने पहना हुआ है, भले घर के बुंदे हो, लॉन्ग हो या कुछ भी हल्का फुल्का सामान हो, चूड़ी कड़े वगैरह, तो भी उससे निकाह पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, निकाह तो हो ही जाना है, ये चीज़ निकाह में नेसेसरी नहीं है। जैसा कि लोगों में मशहूर है आजकल कि ऐसा होता है निकाह से पहले ज़रूर उसको जेवर पहनाए जाते हैं और ये तसव्वुर करते हैं कि बग़ैर नत के हमारे वहाँ निकाह नहीं होता, तो ये दुनियावी उर्फी रसम है, इसका शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है। मेकअप के अंदर भी निकाह हो जाएगा और इसमें कोई कराहत वाली बात नहीं है। बाकी जिन काजी साहब या आलिम साहब ने कहा है कि मेकअप में निकाह नहीं होता, उनके अल्फाज क्या होंगे उस टाइम, किस हिकमत से उन्होंने कहा या क्या कहा, वो पेश नज़र नहीं है, तो इसलिए उस पर कोई हुक्म नहीं लगाया जा सकता। बाकी मसला ये है कि मेकअप में निकाह हो जाता है, जो इसे कहे कि मेकअप में निकाह नहीं होता वो ख़ता पर है। बाकी मेकअप धुलवाने के बाद निकाह करा दिया उसमें भी कोई हर्ज वाली बात नहीं है, लेकिन ये कहना कि निकाह होगा ही नहीं ये जुमला गलत है। अब अपनी ज़रूरत के लिए आसान वजीफ़ा तलाश करना हुआ और भी आसान, विजिट करें wazifa.sms.farsi.com पर और अपनी दीनों दुनिया की भलाई के लिए पाएं ढेरों आसान वजीफे। कब से अपनी खताओं का शुमारा जाएगा।